स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। इस राज्य में समूह की महिलाओं को, समूह की इन दो कैडरों को, केवल दो कैडर को ही इस योजना का लाभ मिलेगा समूह की, जिसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और बहुत ही बड़ी अपडेट है जो योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना का जो नाम है वो है फ्री स्कूटी योजना। समूह की इन दो कैडरों को मात्र दिया जाएगा। कैसे कैसे नहीं, पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सरकार द्वारा समूह की इन दो दीदियों को फ्री स्कूटी योजना का लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री इनको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए आप सभी की। आप सभी कम से कम 10वीं 12वीं पास महिला होनी चाहिए। इसके बाद आप जो है इस राज्य की निवासी होनी चाहिए। इसके बारे में वीडियो में भी हम बताएंगे आगे। और इस राज्य की निवासी होनी चाहिए। और इसके बाद आप जो भी काम कर रही हैं समूह में, जो भी कैडर के रूप में काम कर रही हैं, आपको कैडर के रूप में काम करते हुए 1.5 से 2 साल का समय हुआ हो, ठीक, आपकी इनकम हो रही हो उसमें, तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी इस राज्य से हैं आप तो, बाकी आपकी मार्कशीट आपकी लगेगी, बैंक का पासबुक लगेगा, और आधार और पैन कार्ड, ठीक। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स कुछ लगने वाले हैं। और ये जो योजना है, इस योजना का लाभ समूह की दो कैडर यानी कि बैंक सखी हो गई पहली, और दूसरी हो गई बीसी सखी। तो बैंक सखी और बीसी सखी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये फ्री स्कूटी योजना उन्हीं के लिए लागू की गई है। और ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत खरगोन। तो ये अपडेट जो मैंने आपको बताई है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण किया जा रहा है महिलाओं को, बैंक सखी और बीसी सखी को, 2-व्हीलर वितरण कार्यक्रम। आप ये भी देख सकते हैं, महिलाओं को स्कूटी मिली हुई है और इसमें बीसी सखी और बैंक सखी दोनों उपलब्ध हैं। स्क्रीन पर आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ये जो अपडेट मैंने आपको बता दी, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की है, शिवराज सिंह चौहान की ये योजना है, उन्होंने निकाली हुई है इस योजना को, और केवल बीसी सखी और बैंक सखी को दिया जाएगा, क्योंकि बीसी सखी और बैंक सखी महिलाएं, बैंक का आना जाना पड़ता है उन लोगों को, इन सभी कारणों से हो सकता है दिया जाए। आगे चलकर हो सकता है और भी महिलाओं को उपलब्ध किया जाए, लेकिन अभी जो ये वितरण हुआ है वो बीसी सखी और बैंक सखी में ही केवल हुआ है। और जिला पंचायत खरगोन आप देख सकते हैं, खरगोन में ये महिलाओं को वितरित किया गया है, और है मध्य प्रदेश की ये योजना, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी ब्लॉक से हैं, किसी भी ग्राम पंचायत से हैं, ठीक, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जिस भी ग्राम पंचायत से हैं, तो आपको ये फ्री स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। तो आप भी निवास करते हैं मध्य प्रदेश से, तो आप भी इसके लिए, अधिक जानकारी के लिए आपको अपने NLLM ब्लॉक से संपर्क करना होगा, या तो आप अपने यहाँ के विकास भवन में जिले स्तर पर जो NRLM होता है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर वैसे आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, जिले पर जाएंगे, ब्लॉक वाले तो जल्दी कुछ बताते ही नहीं, आपने देखा होगा। और ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी, बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने निकाली है। कम से कम किसी सरकार ने शुरुआत तो की समूह की महिलाओं के लिए। और हमें उम्मीद है, उम्मीद क्या है, हम भी यही चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप भी यही चाहेंगे कि अपनी उत्तर प्रदेश सरकार भी इस योजना को लागू करे उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश बीसी सखी 2-व्हीलर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और महिलाओं को स्कूटी वितरित की जाए। जो महिलाएं कैडर के रूप में काम कर रही हैं, आ जा रही हैं, उनको स्कूटी दी जाए, ये सरकार को करना ही करना चाहिए। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस योजना को लेकर के। क्या आप भी हैं उत्तर प्रदेश से और आपको भी नहीं मिला है किसी योजना का लाभ? बस उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएँ देखने को हैं, केवल है ना, देखने के लिए केवल है, बहुत सारी योजना है, UPBC सखी, बैंक सखी, ये है, वो है, वो है, फलाना, सब कुछ, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उस योजनाओं का लाभ कितनी महिलाओं को मिलता है? मुझे जहाँ तक से लगता है
कि 100 में से मात्र 10 महिलाओं को लाभ मिलता होगा, बाकी महिलाएं योजना का लाभ मिलता ही नहीं है। अगर जिसे समूह में कोई नौकरी महिलाएं पा गई तो पैसा नहीं मिलता। महिलाएं काम बराबर करती हैं, ईमानदारी के साथ महिलाएं काम करती हैं। जब समूह में जितनी भी दीदियां हैं, हमें पता है ज़्यादातर महिलाएं मतलब कि अब ग्रामीण इलाकों से निवास कर रही हैं, अब गांव से महिलाएं बिलोंग कर रही हैं, गांव में रह रही हैं, तो क्या लोग उनको बेवकूफ़ समझ लेते हैं? नहीं, महिलाएं काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं। जितनी भी समूह की दीदियां होंगी सब ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से निवास करती हैं और बहुत ही अच्छे से वो काम करती हैं। जो भी काम उनको दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाए चाहे ब्लॉक से दिया जाए, जो भी उनको काम दिया जाता है वो बहुत ही बखूबी निभाती हैं और पूरे मन के साथ उस काम को करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इनकम होगी तो हम अपने घर को चलाएंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ये सब सोच करके महिलाएं बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, लेकिन सरकार उनके साथ क्या करती है? सरकार उनको पैसा भी बराबर नहीं देती है, मानदेय भी बराबर नहीं देती है। अब महिलाएं अगर प्राइवेट नौकरी करने जाएं तो हर महीने उनको पैसा मिल जाएगा, चाहे जहां महिलाएं जाए काम करने हर जगह उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन महिलाओं के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो प्राइवेट नौकरी कर सकें। प्राइवेट नौकरी में 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, तो इससे इसमें क्या होता है कि महिलाएं जैसे बैंक सखी बीसी सखी बने तो उतना ज़्यादा समय बाहर वो अपने घर को भी समय दे लेती हैं थोड़ा सा उनका काम भी हो जाता है और उनको 4 पैसे इनकम भी हो जाती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो महिलाएं और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन सरकार बोलती तो है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और उनको आत्मविश्वास उनका जगा रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, महिलाएं और आगे तक जाएंगी, महिलाओं को आगे तक ले जाएंगे, इतने समूह बना देंगे, करोड़ों लाखों समूह बना देंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी घोषणाएं सरकार करती रहती है। लेकिन अभी तक ना तो सरकार ने महिलाओं को जो फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था उसको भी नहीं दिया। साथ ही साथ इतनी सरकारें हैं, हर राज्य की सरकारें, कहीं ना कहीं की सरकारें महिलाओं को करीब 500 या 1000 या 1500 2000 भत्ता भी दे रही हैं महिलाओं को, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ नहीं दे रही है। और स्कूटी भी योजना शुरू कर दी गई, आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फ्री स्कूटी योजना भी शुरू कर दी गई है महिलाओं के लिए। स्कूटी के लिए सरकार ने भी वादा किया था, हालांकि गर्ल्स के लिए वादा किया था, लेकिन गर्ल्स को भी तो नहीं मिला अभी तक उसका नामो निशान कहीं पर नहीं सुनाई दे रहा है। फिलहाल ये योजना बहुत ही अच्छी मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली है और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलती हैं और बहुत ही अच्छा है वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के समूह की अगर आप हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ का आपके यहाँ की योजनाएं कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं। वैसे तो सुन करके तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार निकाल रही है और महिलाओं को मिल भी रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मध्य प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए या नहीं ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंजय कर के साथ। थैंक यू।